तो हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑगी। एक बार फिर से मैं और भैया जय खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। और गाइस, आज के दिन मैं और भैया जय कुछ माइनक्राफ्ट के बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिसको देखकर गाइस मुझे पता है आपको काफी मजा आएगा। और गाइस, एक्सपेरिमेंट जो हम करने वाले हैं ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाले हैं। और गाइस, मुझे तो ये भी पता है कि बहुत से लोग जान भी गए होंगे कि एक्सपेरिमेंट किसके बारे में है, क्योंकि आप लोग तो थंबनेल देखकर ही आए होंगे ना। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं TND के कुछ बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ना यार। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर देना यार, इससे काफी ज्यादा हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलता है। तो जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो और फोड़ दो। और चलो, तोड़ने फोड़ने से ज्यादा आप शाउट आउट की ओर बढ़ते हैं, कि कुछ मेरा शाउट आउट होता है ना, हमेशा तोड़ने ही फोड़ने वाला होता है। क्यों मुन्ना, मैंने सही कहा ना? हाँ भैया, एकदम सही कहा। चलिए भैया, आप जल्दी से शाउट आउट भी दीजिए ना। और दे रहा मुन्ना, मैं तो एकदम बेहतरीन तरीके से देता हूँ। और तुम लोग तो जानते हो, जैक का फंडा हमेशा एक ही तरह का रहता है, और आज भी जैक का फंडा वही फंडा है। हे भैया, आप तो कुछ ज्यादा ही फंडा फंडा कर रहे हैं। ओए बोले तो मुन्ना, मेरे सब डायलॉग है, ये लोग सब जानते हैं। ओए ओए, तो मेरी तरफ से सभी को एकदम 2000 किलो का शाउट आउट। ओए तोड़ दो और फोड़ दो, और कमेंट सेक्शन में तुम लोग तो भाषण मचा ही देते हो, और आज भी मचा कर ही आ जाओ। ओए वाह, क्या बात है, जैक के फंडे फंडे में ऑगी शाउट आउट ही नहीं दे पाया, अच्छा है। है भैया, आप थोड़ा सा जल्दी नहीं बोल सकते क्या? मतलब कि भैया, मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना शाउट आउट देने का। ओए मुन्ना, बिल्कुल सही बात कही, आज मैं लगता है ज्यादा ही फ्लो में था, और फ्लो में मुन्ना मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। हाँ भैया, वो बात तो सही है ना। हे भैया, आज हमें गांव वालों को समझाना पड़ेगा कि यहाँ से निकल जाए, क्योंकि भैया आज यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़े एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। और रुक जा, मैं समझाता हूँ। और विलेजर निकल ले यहाँ से, क्योंकि आज यहाँ पर TND का एक्सपेरिमेंट होगा। अपने गांव वालों को बोल दे यहाँ से निकल जाए। आश निकल ले पिल्ले, नहीं तो गौलम को बुला दूंगा। आश ओए, तू निकल ले तो बहुत मारूंगा। चल इस गौलम को ही समझाते हैं, ये तो सब बेवकूफ हैं। ओए गौलम, तू इस गांव का पहरेदार है ना, इस सबको समझा दे। ओए मेरा नाम है बिच्छू दादा, सांप का काटा तो मर जाता है, लेकिन बिच्छू का काटा सिर्फ मरता नहीं, तड़प तड़प के मरता है गन्ना चूस के। ओए लगता है इन गांव वालों के बीच रहते रहते तू भी पगला गया है। पता नहीं मुन्ना, आजकल गौलम भी लगता है मानसिक संतुलन इन लोगों का बिगड़ गया है। चलिए भैया, घंटी भी बजा दीजिए ताकि लोग भाग जाए। ओए बजा दी, ढेर सारी घंटी बजा दी। ओए अब निकाल लो, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। हाँ भैया, चलिए अब करते हैं अपना TND का सबसे बेहतरीन एक्सपेरिमेंट, जो कि भैया नंबर वन एक्सपेरिमेंट होगा हम लोगों का। ओए लेकिन मुन्ना, आज हम लोग TND से कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? है भैया, देखते जाइए, मेरे भैया दिमाग में बहुत सारी आइडियाज चलते रहते हैं। बस भैया देखते जाइए, हमारे पास है फ्लिंट एंड स्टील और भैया ढेर सारे TND। चलिए भैया, सबसे पहले इसको एकदम ऊपर तक ले जाते हैं। इसके वो बनाएगा क्या, खम्भे बनाएगा क्या? हाँ भैया, कुछ ऐसा ही समझिए। चलिए भैया, इतना सही रहेगा ना? ओए मुन्ना, चल ठीक है, पहले इतना में ही ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना ब्लास्ट होता है। चलिए भैया, ऊपर से लगा दिया। आप देखिए भैया, कमाल। ओए TND फटने लगे मुन्ना। हाँ भैया, TND तो फटेगी ना। ओए ये क्या, ये तो बिखर गए चारों तरफ। हाँ भैया, ये तो बिखर बिखर के, ज़्यादा फटे ही नहीं। चलिए भैया, इसके बाद हम लोग कोई बात नहीं और बड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये तो भैया छोटा मोटा था, और भैया आप बारी है कुछ बड़ा करने की। और आप क्या बड़ा करेंगे? है भैया, इस TND को एकदम आसमान तक ले जाएंगे, जहाँ तक भैया ये जाएगा। ओए मुन्ना, तब तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। हाँ भैया, वो नजारा ना देखने में कितना ज्यादा मजा आएगा ना। और लेकिन ये कहाँ तक जा सकता है? हे भैया, जहाँ तक जाएगा वहीं तक ले जाएंगे इसको। जहाँ तक भैया ये टच करेगा आसमान को, वहीं तक ले जाएंगे। अगर भैया स्पेस तक जाएगा तो हम लोग इसे स्पेस तक ले जाएंगे। ओए मुन्ना, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। हाँ भैया, ये तो अभी सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसके बाद जब भैया इसको देखेंगे तब तो और मज़ा आएगा। ओए ये क्या, हम तो बादलों के पार आ गए। हाँ भैया, काश हम लोग स्पेस में चले जाते तब तो भैया स्पेस से देखने में मज़ा आता, लेकिन भैया हमारे पास तो रॉकेट ही नहीं है ना। ओए बना लेंगे रॉकेट किसी दिन तो हम लोग मुन्ना एकदम बढ़िया वाले साइंटिस्ट बनेंगे। हाँ भैया, लेकिन अभी तो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट ही करने पड़ेंगे ना। ओए वैसा मुन्ना, काफ़ी ऊँचे आ गए हम लोग। हाँ भैया, ये देखिए कितना ज़्यादा ऊँचे आ गए। ओए तो रुक जा, अभी और TND लगाता हूँ। ओए ये देख, कितने ढेर सारे TND मुन्ना लगा दिए। हाँ भैया, और भी लगा दीजिए। ओए ये क्या, इसके पीछे तो जा ही नहीं सकते। हाँ भैया, 256 ब्लॉक्स बहुत होता है। चलिए भैया, यहाँ से लगाते हैं फ्लिंट एंड स्टील,
और रुक जब मुन्ना इसको देखने तो दे। ओए ये क्या, ये तो मुन्ना पूरा नीचे तक है। हाँ भैया काफी बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, कितना ज्यादा भैया मजा आएगा, जल्दी लगाइए ना भैया। ओए मैं भी बहुत एक्साइटमेंट में हूँ, रुक जा मुन्ना अभी लगाता हूँ, रुक जा। ओए ये लगा दी प्रिंट एंड स्टील, अब देखना मजा। हाँ भैया वो देखिए फटने लगेगा अभी, वो देखिए भैया हो गई बारिश। ओए मुन्ना ये तो मजेदार ही दिख रहा है। हाँ भैया अभी और देखते जाइए, जब ये भैया एकदम नीचे तक आएगा। ओए ये क्या हो रहा है, इतना भयानक ब्लास्ट। हाँ भैया अभी तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उनको भी ट्राई करेंगे, अभी तो भैया छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, लेकिन भैया इनको देखने मज़ा आ रहा है। ओए अभी तो इस गांव की बैंड बजानी है, हम लोग की बात नहीं सुन रहे थे ना ये लोग। हाँ भैया इस गांव को तो, इसीलिए तो भैया मैं विलेजर को भगा रहा था, लेकिन ये लोग भागे नहीं। भैया ये लोग भाग जाते तो बच जाते, लेकिन भैया अब तो बचेंगे नहीं। ओ ये क्या, यहाँ तो गड्ढा हो गया बड़े वाला। हाँ भैया अब गड्ढा तो होना ही था ना, इतना बड़ा TNT ब्लास्ट हुआ। ओए मुन्ना मैं सोच रहा था मेरे दिमाग में और भी बेहतरीन वाला आइडिया चल रहा है, हे भैया बताइए ना। और रुक जा, थोड़ा सा और कुछ उसमें कुछ ऐड करने की सोच रहा था मैं। हाँ भैया जल्दी बताइए ना। मैं भैया एकदम एक्साइटमेंट में हूँ, क्योंकि भैया आज TNT एक्सपेरिमेंट करने में मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है। और मैं सोच रहा था इधर हम लोग एक रूम बनाते हैं, देख मैं रुक जा बनाता हूँ। है भैया रूम का क्या करेंगे, उस TNT के घर में रहेंगे क्या? नहीं मुन्ना अभी तो कुछ बदला लेने का टाइम आ चुका है। ओए मुन्ना ये बता, मैं तुझसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना। हाँ भैया बिल्कुल पूछिए। ओए ये बता माइनक्राफ्ट में हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हे भैया माइनक्राफ्ट में है भैया इंडर ड्रैगन, क्योंकि भैया हम लोग को अंत में उसी को मारना पड़ता है। ओए मुन्ना जो सबसे बेहतरीन मतलब की बहुत ही इरिटेट करने वाला दुश्मन है भैया, इरिटेट वाला है भैया, मिल गया इरिटेट वाला। ओए बताना फिर जल्दी, है भैया वही हड्डी अपना। भैया कभी कभी हड्डी अपने बो एरो से बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता है। ओए मुन्ना कुछ ज्यादा ही हो गया, अब तुझे नहीं पता क्या? हाँ भैया मैं जान गया, कहीं वो भैया क्रीपर तो नहीं है। ओए अब जान पाया ना, हम लोग का माइनक्राफ्ट में सबसे बड़ा दुश्मन है, इतना बड़ा दुश्मन तो हम लोग का इंडर ड्रैगन और वेदर नहीं है, और मुन्ना हड्डी को मैं कुछ भी नहीं मानता, लेकिन मुन्ना उस क्रीपर ना मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी देख एक बदला लेने का टाइम आ चुका है। हे भैया क्या बदला लेंगे, आपके दिमाग में भैया चल क्या रहा है? ओए मुन्ना अब तो तू जान ही गया होगा, और ये लोग भी जान ही गए होंगे। हे भैया आप तो इतने सारे क्रीपर के इस्तेमाल कर रहे हैं। ओए मुन्ना देखता जा, आज इन सब की मौत आएगी, रुक जाओ ना मुन्नो, तुम लोग बहुत फटते रहते हो ना, अब मजा आएगा। और रुक जा अभी बताता हूँ। ओ ये ले क्रीपर ही क्रीपर। हे भैया इतने सारे क्रीपर। ओए मुन्ना तू देखता जा, मैं इसमें हजारों क्रीपर स्पॉन करूंगा, और फिर इस TNT के कमरे में एकदम फ्लिंट एंड स्टील मारूंगा, ये लोग तो एक झटके में ही फट जाएंगे। बहुत दूसरों के सामने फटते रहते हो ना, आज तुम खुद ही फटोगे, एक साथ ही फटोगे। हे भैया मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है। और क्या आइडिया आ रहा है? हे भैया मैंने सुना है क्रीपर बिल्लियों से बहुत डरते हैं। चलिए भैया इस झुंड के बीच एक बिल्ली छोड़ देते हैं। भैया कितना मजा आएगा ना, ये लोग तो भाग ही जाएंगे, लेकिन भैया ये लोग भागेंगे कहाँ पर? और रुक जा अभी ट्राई करता हूँ, पहले बताना चाहिए था ना। और रुक जा ये बिल्ली छोड़ी। ओ ये क्या तो भाग गए हैं। हाँ भैया ये देखिए कितना डरने लगे, देख के भैया। और रुक जा फिर एक और बिल्ली स्पॉन करता हूँ। ओए अब क्यों डर रहे, छोटी सी बिल्ली से डर गए? रुक जा ये आ गई बिल्ली। है भैया ये देखिए सभी लोग कोने होने में चले गए। ओ ये क्या कुछ ज्यादा ही डर रहे हैं। मुन्ना मैं तो आज जान पाया। है भैया आज आप जान पाए, मैं तो भैया बहुत दिन से जानता था। और रुक जा ऊपर की छत लगा दे, इनको फोड़ने दे, बिल्ली उल्ली नहीं डराएंगे, इनको डायरेक्ट एकदम ब्लास्ट करके फोड़ेंगे मुन्ना, एकदम मजा आएगा। हाँ भैया जल्दी से छत लगा दीजिए ना। और रुक जा मुन्ना 2 मिनट रुक, इस काम को मैं 2 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ। हे भैया 2 मिनट में तो मैगी बनती है ना। और डायलॉग बातचीत क्यों कर रहा है, मैगी होगी कौन बना रहा है? मैं तो इस छत को कंप्लीट कर रहा हूँ, ताकि इन क्रीपर को मैं डिस्ट्रॉय कर दूँ, पूरी दुनिया से मिटा दूँ। हे भैया तो कुछ ज्यादा ही क्रीपर है। और रुक जा मुन्ना लगाऊ क्या आग? हाँ भैया मारिए फ्लिंट एंड स्टील। और मुर्गी निकल इधर से। और लगा दी अब मजा आएगा। हे भैया देखने लायक नजारा। हे भैया फट गए। ओए वो देख मरने लगा, ये क्या एक झटके में ही मर गए। ओए ये क्या मुन्ना मजा ही आ गया, ये हुई ना बात। हाँ भैया आपने तो एकदम मार ही दिया, तोड़ ही दिया और फोड़ भी दिया। ओए मुझसे पंगा लेने आते हैं, अब नहीं स्पॉन होंगे, पता नहीं क्यों मारते रहते हैं, हमसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी इन लोगों को। चलिए भैया अब सोने चलते हैं, मुझे नींद लगी है।
ओए निकल ले बिलेजर, पहले सोने दे जैक को। ओए तू भी सो जा मुन्ना। चलिए भैया अब हम ट्राई करते हैं टीएनडी का दूसरा एक्सपेरिमेंट। ओए मुन्ना तीसरा एक्सपेरिमेंट। हाँ भैया वही तीसरा एक्सपेरिमेंट। लेकिन भैया आप तो उस समय बदला ले रहे थे, उसे एक्सपेरिमेंट थोड़ी बोलते हैं। ओए वो एक्सपेरिमेंट ही है मुन्ना, क्रिपर के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट ही करना है। चलिए छोड़िए भैया, हम लोग करते हैं अपना तीसरा एक्सपेरिमेंट। ओ ये तीसरे में करेगा क्या तू? हे भैया जैसे उस बार हम लोगों ने टीएनडी को एकदम ऊपर टॉप तक ले गए थे, और इस बार भैया एकदम नीचे बेडरॉक तक ले जाएंगे। जहाँ पर भैया बेडरॉक खत्म होगा वही उसे टीएनडी लगाना शुरू करेंगे और भैया एकदम ऊपर तक जाएंगे। कितना भैया मजा आएगा ना। ओए मुन्ना ये भी काफी ज्यादा एक्साइट। ओए ये क्या गुफा आ गई थी? हाँ भैया कोई माइन आ गई थी थोड़ी है ना, लेकिन हम लोग को तो टीएनडी लगाना है ना भैया। एकदम भैया नीचे तक कितना बड़ा ब्लास्ट होगा ना। ओए ये क्या वर्ल्ड के बाहर चले आए मुन्ना हम लोग तो। हे भैया वर्ल्ड के हम लोग तो एकदम बेडरॉक के पार आ गए। ओए मुन्ना मैंने तो पहली बार देखा हम लोग वर्ल्ड के पार भी आ सकते हैं। हाँ भैया क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकते। देखिए भैया हम लोग तो नीचे से ही वर्ल्ड के पार आ गए। ओए उसको छोड़ते हैं, टीएनडी लगा जल्दी जल्दी। हाँ भैया वही लगा रहा हूँ। चलिए भैया जल्दी से लगाता हूँ टीएनडी, उसके बाद भैया देखिए कितना बड़ा धमाका होगा। ओ तब तो मुन्ना मजा ही आ जाएगा। हाँ भैया मजा नहीं दो गुना मजा मिलेगा। जैसे कि भैया आपको क्रीपर को फोड़ने मिला था वैसे भैया अभी देखेगा। और रुको जा थोड़ा सा और ऊपर लगा देता हूँ, अब फोड़ते हैं इसको। चलिए भैया लगा दीजिए फ्लिंट एंड स्टील। और लगा दी। हे भैया दूर हटिए, अब देखिए भैया मजा। ओ ये कैसा पूरा नीचे चला गया। वो देखिए भैया कितना नीचे तक चला गया ये तो। ओ ये क्या, ये तो पूरा बेडरॉक तक चला गया। हाँ भैया देखिए पूरा बेडरॉक तक टीएनडी ब्लास्ट हो गया। और भैया ये रहा आखिरी। इसके नीचे भैया वर्ल्ड आ जाएगा। ओ ये क्या, इसके नीचे तो वर्ल्ड के पार चले जाएंगे ना हम लोग। हाँ भैया ये देखिए बढ़िया ब्लास्ट हुआ ना। ओ देख मुन्ना कितनी बड़ी गुफा बना दी, और इसके नीचे जो कोई मुन्ना गिरेगा वो तो मर ही जाएगा। हाँ भैया कोई विलेजर ना गिर जाए नीचे। ओए हम लोग की बात नहीं मानते तो नीचे तो गिरना ही चाहिए इन लोग को। नहीं भैया फिर भी ये लोग हैं तो ना यहाँ पर। ओए अभी तुझे इनको रहने की चिंता है, रुक जा अभी मैं इस पूरे गांव को उड़ाने वाला हूँ, मेरा दिमाग खराब कर दिए ये लोग। हे भैया इसमें तो काफी ज्यादा मेहनत लग जाएगी ना। ओए मुन्ना तेरे भैया मेहनत से डरता है क्या? ओए गांव वालों आखिरी मौका दे रहा हूँ, निकल लो यहाँ से, नहीं तो पूरा गांव उड़ जाएगा और तुम लोग भी उड़ जाओगे गांव के साथ। ओए गौलम निकलवा ले यहाँ से इनको, नहीं तो सभी फट जाएंगे। ओए हे भैया तो कुछ ज्यादा ही बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं। और पूरे गांव के अगल बगल बाउंड्री बना दूंगा, और जैसे मुन्ना टीएनडी ब्लास्ट होगा पूरा गांव नीचे चला जाएगा जमीन के। हाँ भैया पूरा गांव नीचे क्या, पूरा गांव ही उड़ जाएगा भैया। और रुक जा, ओए ये बिल्ली कहाँ से आ गई? ओए बिल्ली निकल ले यहाँ से क्योंकि ये गांव ब्लास्ट होने वाला है। रुक जा आज तो मुन्ना टीएनडी के एक्सपेरिमेंट फिर अच्छे से ही कर लेते हैं। हाँ भैया कर लीजिए, इसके बाद भैया मेरे पास और भी बेहतरीन आइडिया है। ओए उसको भी ट्राई करेंगे मुन्ना, टेंशन क्यों ले रहा है तू? ओए हे भैया कितनी बड़ी बाउंड्री बनाएंगे। और थोड़ा सा और बचा है मुन्ना, रुक जा इसको बस कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम लोग ब्लास्ट शुरू कर देंगे। हाँ भैया चलिए ठीक है। ओ ये रही आखरी, और मुन्ना ये देख अभी टच करवाता हूँ। ओ ये ले हो गई मुन्ना कंप्लीट। चलिए भैया फ्लिंट एंड स्टील मारिए। ओए मार दी, अब भाग ले मुन्ना। हाँ भैया वही तो देख रहा हूँ मैं। ओ ये देख, हे भैया ये क्या पूरी तरफ टीएनडी ब्लास्ट हो रहे हैं। और भैया ये देखिए पूरा वर्ल्ड ही फ्रीज होने लगा। ओए कुछ ज्यादा ही बड़ा ब्लास्ट था क्या ये? हाँ भैया ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा ब्लास्ट हो गया, देखिए भैया पूरा वर्ल्ड ही फ्रीज होने लगा। और भैया गांव की तो एकदम बैंड ही बज गई, भैया घर तो एकदम आधे आधे हो गए। ओ ये देख चारों तरफ से पानी आने लगा, अब तो ये गांव बाढ़ में डूब जाएगा। हाँ भैया पूरे गांव में ही फ्लड आ गया। ओ चल यहाँ से निकलते हैं, अब ये बता तेरा कौन सा एक्सपेरिमेंट है? हे भैया मेरा भी बहुत ज्यादा यूनिक है, उसको ट्राई करने तो भैया मजा ही आएगा, लेकिन भैया उसके लिए सबसे पहले मैं बेडरॉक को लूंगा। ओए बेडरॉक का क्या करेगा? हे भैया बेडरॉक का मैं एक रूम बनाऊंगा। ओए मुन्ना बेडरॉक का रूम बना क्या करेगा? अच्छा मैं जान गया, बेडरॉक सबसे बेहतरीन होता है और इसको कोई तोड़ भी नहीं सकता, इसलिए तो इसका घर बना रहा है ना। नहीं भैया अभी भी आप समझ नहीं पाए। हे भैया हम लोग टीएनडी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा देखते जाइए भैया, थोड़ा सा भैया रूम को कंप्लीट होने दीजिए, फिर भैया आप खुद ही समझ जाएंगे।
ओ मैं क्या समझूंगा, पता नहीं क्या बना रहा। चल ठीक है, जो भी बनाना हो बना दे। रुक जा, इस रूम को मैं ही कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ भैया जल्दी से मेरी मदद कर दीजिए ना। ओ मुन्ना पहले बोलना चाहिए था ना। ये देख रुक जा, एक रूम बना देता हूँ, बढ़िया से रूम बनाऊंगा। नहीं भैया ऐसे टेम्परेरी बना दीजिए। बढ़िया, क्या जरूरत। वो फिर भी मुन्ना रुक जा, भी बनाता हूँ, टेंशन मत ले। और रुक जा, इस रूम में तो आज मुन्ना एक्सपेरिमेंट ही होंगे। हाँ भैया बढ़िया कर रहे हैं भैया, जल्दी से बनाते हैं हम लोग। और रुक जा, इसमें छत भी पड़ेगी क्या। हाँ भैया छत तो बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि भैया रूम बना रहे हैं। ओए मुन्ना रूम बनवा रहा था, पता नहीं हॉल बनवा दिया तूने तो। हे भैया चलिए ना, इसके बाद मजा तो आएगा ना। ओए क्या मजा आएगा, इसमें तू एक्सपेरिमेंट क्या करने वाला, पहले ये बता। हे भैया इसमें भी कुछ टीएनडी का एक्सपेरिमेंट होने वाला है, लेकिन भैया कुछ अलग तरीके से। ओए मेरी तरह है क्या कुछ। हाँ भैया कुछ हद तक आप ये भी समझ सकते हैं, आप ही की तरह भैया कुछ एक्सपेरिमेंट है। ओए तब तो मजा आएगा, जल्दी से बना ले। हाँ भैया वही कर रहा हूँ, ये लीजिए भैया, पूरा कमरे में ही अंधेरा हो गया। और रुक जा, भी टॉर्च लगाता हूँ। और किधर गई टॉर्च, ये रही। और मकड़ी हो गया तो स्पॉन नहीं होगी। है भैया मकड़ी को आप तोड़ दीजिएगा ना। और फोड़ भी दूंगा। ओए चलिए भैया मैं नीचे भी जल्दी से ज़मीन बना लेता हूँ, क्योंकि भैया नीचे भी तो बेडरॉक होना चाहिए ना, नहीं तो भैया टीएनडी अगर ब्लास्ट होगा तब तो भैया नीचे की ज़मीन ही उड़ जाएगी, तब भैया मज़ा नहीं रह जाएगा। ओए क्या करने वाला है तू। है भैया देखते जाइए ना, थोड़ा सा काम करिए ना। ओए ये ले हो गया, अब क्या करना है। हे भैया रुक जाइए। मैं भैया इधर अगल बगल टीएनडी लगा देता हूँ। ओए मुन्ना ये बता, तू कहीं टीएनडी से बेडरॉक को तो नहीं ब्लास्ट कर रहा है। हे भैया कैसी बात कर रहे हैं। टीएनडी से भैया बेडरॉक टूटेगा ही नहीं। ओए नहीं टूटता है क्या, अभी तो नीचे वाला टूट गया था। नहीं भैया बेडरॉक को कोई भी नहीं तोड़ सकता। बस भैया हम ही लोग क्रिएटिव में तोड़ सकते हैं बेडरॉक को, नहीं तो भैया बेडरॉक को कोई भी नहीं तोड़ सकता, चाहे भैया वो टीएनडी हो चाहे कोई भी हो। ओए ऐसी बात है क्या। हाँ भैया चाहे कितना भी बड़ा मॉन्स्टर आ जाए वो बेडरॉक को नहीं तोड़ सकता, लेकिन भैया अगर हम लोग क्रिएटिव में तो भैया बेडरॉक को क्या किसी को भी तोड़ सकते हैं ना। ओए मुन्ना भाई तो अपने 2.5 किलो के हाथ से सभी को तोड़ देता हूँ, तो बेडरॉक क्या है। नहीं भैया नहीं तोड़ पाएंगे, समझा कीजिए ना। ओए मैं तो आज जान पाया। हाँ भैया यही तो बात है, यही तो भैया खासियत है बेडरॉक की, कि भैया इसको तोड़ा नहीं जा सकता। और भैया इसी खासियत के चलते आज मैं इसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। ओए अब तो बता दे मुन्ना कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाला है। चलिए भैया ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ। इसके अंदर भैया हम लोग स्पॉन करेंगे अपने प्यारे वेदर को। ओए वेदर प्यारा कब से हो गया। हे भैया चलिए ठीक है ना, मजाक था। ओए वेदर को स्पॉन करके क्या करेगा। हे भैया वेदर तो बाहर आ ही नहीं पाएगा, चाहे वो जितने भी ब्लास्ट कर ले, क्योंकि भैया बेडरॉक को तोड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ओए ये भी बात सही कही है। ओए कुछ तो चल रहा है ना तेरे दिमाग में। हाँ भैया टीएनडी अगल बगल है तो भैया समझ ही जाइए। ओए मैं जान गया, तू वेदर को टीएनडी से ब्लास्ट करेगा और बाहर भी नहीं निकल पाएगा और अंदर ही मर जाएगा। हाँ भैया एकदम सही। ओए मुन्ना इसको तो करने में एकदम मजा ही आ जाएगा। हाँ भैया मजा नहीं, एकदम फुल टू मजा आएगा। ओए अब क्या कर रहा है इसका। रुक जाइए मैं सोच रहा हूँ भैया, इधर हम लोग एक दरवाजा बना लेते हैं, क्योंकि भैया हम लोग को तो बाहर निकलना है ना। हे भैया बाहर रात हो गई। ओए हम लोग क्यों बाहर निकलेंगे। हे भैया बाहर से मजा लेंगे, अंदर भैया जाके टीएनडी में हम लोग भी फूटेंगे क्या। ओए लेकिन हम लोग तो क्रिएटिव है ना। हे भैया फिर भी मजा नहीं आएगा ना। रुक जाइए भैया, ये लीजिए मैं वेदर को स्पॉन करता हूँ। और वेदर को अभी स्पॉन करेगा क्या। हाँ भैया मतलब तैयारी है तो कर लेते ना, उसके बगल से भैया और भी टीएनडी रख देंगे, ताकि भैया वेदर एक ही बार में मर जाए। और वेदर का तो आज बैंड ही बजने वाला है, स्पॉन होते ही मर जाएगा, जैसे उसको बर्निंग गॉड जिला ने एक बार में मार दिया था उस प्राइम स्केल्टन ने, और वेदर को एक ही बार में मार दिया था, आज भी वैसे ही मरेगा। हाँ भैया एकदम सही। और रुक जा, और अगल बगल टीएनडी लगा ही देता हूँ मुन्ना। हाँ भैया जल्दी जल्दी लगाइए। चलिए भैया अब करते हैं वेदर को स्पॉन। और रुक जा, बाहर भागने के लिए तैयार रहना। हाँ भैया मैं एकदम तैयार हूँ। चलिए भैया स्पॉन हो गया। और रुक जा, अभी इधर से बाहर से टीएनडी लगाना है। हाँ भैया रुक जाइए, ये लगा दिया। फ्लिंट एंड स्टील निकालिए भैया। और निकाल ली, लगा दीजिए भैया फ्लिंट एंड स्टील। और लगा दी, और ये क्या इतना बड़ा ब्लास्ट। हे भैया पूरा ब्लास्ट ही हो गया। लेकिन भैया वेदर की हेल्थ तो अभी तक आ रही है। ओ ये कैसे हो सकता है, फूटा नहीं क्या।
हे भैया, इसको तो कुछ हुआ भी नहीं, एक खरोच भी नहीं आई। हो या कैसे हो सकता है, रुक जा अभी फोड़ता हूँ इसको, शायद गलती से क्लिच हो गया होगा। हाँ भैया वही होगा। चलिए भैया फिर से टीएनटी लगाते हैं, अब ये फूटेगा भैया। और फूट गया, ये क्या, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा मुन्ना। हे भैया ये क्या हो रहा, लगता है एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है क्या। वो टीएनटी से कुछ नहीं होता क्या इसको, पता नहीं भैया ये तो अपने आप ही फोड़ लिया। ओए मुन्ना इसको कुछ नहीं होगा, मैं जान गया। वाह क्या बात है, हो गया बिल्लो का पोपट, अच्छा है। ओए वेदर तुझे फिंटे स्टील से जला दूंगा, ये क्या तो जल भी नहीं रहा है। भैया ये वेदर तो कुछ ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, चलिए बाहर चलते हैं ना भैया, एक्सपेरिमेंट तो भैया फेल ही हो गया। ओए पूरी तरह से पोपट हो गया हम लोग का। हाँ भैया पोपट तो हो गया। तो है गाइस, वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आपको इस तरह के और भी एक्सपेरिमेंट देखने हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमारे पास और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं अलग अलग तरीके के। तो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो सा, तब तक ले गाइस टाटा बाय बाय गुड बाय। और मेरी तरफ से भी सभी को टाटा बाय बाय।